ए चाचा, शिल्पा को देखो। मेरे इतने करीब मत आओ, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। मैं बर्बाद होना चाहता हूँ। हे भगवान, मार दिया बेचारी को। चीटिंग 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 करता है तू। हेलो व्हाट्सअप गाइस, की हाल चाल, एकदम बढ़िया। आशा करता हूँ आप लोग एकदम बढ़िया हो गए। तो भाई कुल मिलाकर आ चुके एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ वापस, और M4 ग्लेशियर के क्रेट ओपनिंग के बाद, दोनों अकाउंट में क्रेट ओपनिंग के बाद बहुत अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं। तो यार हमने सोचा कि M4 ग्लेशियर का एक गेम प्ले भी आ जाए, और ये मेरा पहला गेम प्ले है M4 ग्लेशियर से। तो ये मत बोलना कि इतना लेट क्यों आया है M4 ग्लेशियर का गेम प्ले। भाई हम लोग उतरे थे ईस्ट डिस्ट्रिक्ट, और ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर कोई आया ही नहीं था, क्योंकि ये हॉट ड्रॉप था और मेरे को नहीं पता कि यहाँ पर क्यों नहीं आया कोई बंदा। और मेरे को लगता है कि यहाँ पर मेरे को M4 ज़रूर मिल जाएगी, इसलिए उसकी तलाश कर ही रहा था। और तलाश करते करते मैं आ गया कंटेनर्स पे। अब कंटेनर्स पे आने के बाद अभी भी M4 की ढुनाई चालू ही थी, और वो M4 मिलनी नहीं रहती भाई। इतने दूसरे 3X वगैरह सब कुछ मिल गया था। M16 लेके हाथ में मैं घूम रहा था, तो सामने देखता हूँ सामने वाले कंटेनर पर मिल जाती है भाई M4, और M416 भाई पहली बार हाथ में देख के जो इतनी खुशी हुई ना मेरे को, इतनी खुशी हुई कि हाँ बस इतनी ही खुशी हुई। अब भाई M4 हाथ में आ चुकी है भाई, बहुत ही अच्छा लग रहा था भाई मेरे को M4 हाथ में लेके। अब M4 हाथ में उठाई ली तो भाई एक स्प्रे टेस्ट तो बनता है। अब स्प्रे टेस्ट करने के बाद बहुत हो चुका था भाई नाटक। उसके बाद अब हम चलते हैं अपने गेम प्ले में। गेम प्ले में आने के बाद ये वही वाला इंट्रो वाला पार्ट है जो आपने देखा था यहाँ पर, जो मैंने उस प्लेयर को मारा था। अब मेरे को आ रही थी यहाँ पे बान हाउस में एक बंदे के साउंड, तो भाई मैंने गाड़ी घुमा के दूसरी साइड लगा दी, क्योंकि वहाँ से पूरा एंगल मिल जाता है गाड़ी में बैठ के। अब ये जो सामने वाला बंदा है, ये बंदा सामने कूद गया। अब सामने में कूदने के बाद ये बंदा अभी भी अंदर आएगा घर के अंदर, तो मैं यहाँ पर आके खड़ा हो गया। थोड़ा बहुत स्प्रे दिया तो मैं आ गया पीछे। अब इस बंदे ने सामने से एस्ट्रल किसे रस कर दिया। हाँ तो भाई एस्ट्रल के वाले ही जीत सकता है ज़्यादातर नॉर्मली फाइट में, इसलिए मैं ऐसे लोगों के लिए एस्ट्रल के रखता हूँ लटका के। वरना नॉर्मली फाइट्स में मैं M4 या फिर कोई भी AR गन का यूज़ करता हूँ, तो ये मत बोलना कि एस्ट्रल के चला रहा है। वन प्लस में वैसे भी एस्ट्रल का एम लगता ही नहीं है भाई, अब क्या ही कर सकते हैं। लेकिन फिर भी यार सेफ्टी के लिए रखना पड़ता है ऐसे एस्ट्रल के, क्योंकि ये लोग फिर से गेम प्ले बेकार कर देते हैं। पूरा 10 से 12 किल करो यार, फिर उसके बाद में तुम लोग गेम प्ले बिगाड़ दो यार एस्ट्रल के। अब देखो गाड़ी से चलने वाली थी नहीं, और ये गाड़ी हो चुकी है बैलगाड़ी से बदतर। तो भाई हम लोग पैदल यात्रा करते हैं और हम पहुंच जाते हैं ईस्ट डिस्ट्रिक्ट। अब यहाँ आने के बाद मेरे को सामने वाले हाउस से थोड़ा सा हल्का सा फुटप्रिंट आ रहा था कि वहाँ पर छत पर बंदा बैठा हुआ है, तो मैंने ऐसे ही जस्ट एम किया और 2-3 हेड उसको दे दिए। अब बंदा थोड़ा सा तो लेट होगा। अब मैंने लिया हाथ में गोला और ज़ोर से बोला बम बम बोला। पर बंदा बूम भाई, बैड मुंडा मर गया। पीछे से अभी भी मेरे पास एक कार 98 चली थी, तो भाई मैं जल्दी से कवर में चला जाता हूँ और इस वाले बंदे की थोड़ी सी पेटी लूटता हूँ। और बहुत देर मैंने वेट किया कि वो कैंपर निकलेगा वहाँ से, लेकिन ये बंदा कैंपर वहाँ से निकला ही नहीं। तो भाई मैं क्या करता हूँ कि मैं उठा लेता हूँ यहाँ गाड़ी, यहाँ थोड़ी देर बाद देखना वो क्या करता है। बस एक लाल HP छोड़ देता है मेरी करके, बड़ी मुश्किलों से यहाँ से बच के भाई एक बड़ी वाली फर्स्ट एड लगा देता है। अब यहाँ भाई मत्था हो चुका है बहुत ज़्यादा गर्म। अब आ गई हमको गुस्सा, तो इसी गुस्से में मैं चला गया ओपन में। भाई मेरे को नहीं पता था ये बंदा था कहाँ। तो ये देखो ट्रिपल स्टोरी के बगल से बंदा मारा और इस बंदे को ले लिया रिफ्लेक्स में। अगर रिफ्लेक्स के लिए अगर एक लाइक नहीं किया ना, तो यार क्या ही किया तुम लोगों ने। भाई थोड़ी देर बाद हम लोग लगा देते हैं यहाँ फर्स्ट एड, और सामने से एक बंदे की फर्स्ट एड आ रही थी, तो मैं करता हूँ वहाँ पर एक नेड, और नेड मेरे पास था नहीं। भाई मैं कर देता हूँ एक थोड़ा सा स्मोक ताकि वो बंदा डर जाए, लेकिन वो बंदा था ही नहीं, वो था बॉट। इस बॉट को मारने के बाद अभी वहाँ से एक बग्गी निकली है,
और बग्गी ऐसी निकली, इस पर बैठे थे दो बंदे जो कि टीम अप करे हुए बैठे थे। आप लोग थोड़ी देर बाद इसको याद रखिएगा बग्गी वाले बंदों को, ये बंदे मेरा पूरा गेम प्ले बिगाड़ने वाले हैं एंड में। अब भाई मैं वहाँ से जस्ट निकलने ही वाला था तो मैंने देखा कि मैंने जिस बंदे को मारा है ना उसके पास एक USZ खड़ी है, तो भाई सखाराम से जाना तो बेकार ही है, तो उससे अच्छा है कि मैं US ले लूं और थोड़ी सी लूट भी लूं जिस बंदे को मैंने अभी अभी मारा था रिफ्लेक्स में। तो भाई पहले इससे थोड़ा सा लूटते हैं और फिर अपनी M4 ग्लेशियर की गन के साथ M4 ग्लेशियर USZ को उठा के हम लोग आए थे स्टेडियम साइड। स्टेडियम साइड आने के बाद में मैं देख रहा था ऊपर पहाड़ियों की साइड बंदा, और इतने में मेरी गाड़ी स्पीड पे आके आती है। अब भाई मैं टोटल में ओपन में हो चुका था, आपसे कुछ सामने बंदा है, अब ये आपको भी पता है कि मुझे भी पता है कि मैं यहाँ से और वहाँ से वो कुछ नहीं कर सकता, तो मैं इसको थोड़ा सा डरा धमका देता हूँ और नीचे आया था कवर में। ये अच्छा मौका था तो मैंने गाड़ी उठा ली, और गाड़ी उठाने के बाद मैं सेंट्रल रोड के दूसरे वाले किनारे पर पहुँचना चाह रहा था क्योंकि मैं एंगल बदलना चाह रहा था, और एंगल बदलने के चक्कर में ये देखो क्या हो गया, मैं इस गाड़ी सामने लेके जा रहा था और सामने से आ रही थी एक USZ, तो भाई मेरी गाड़ी तो ठुक जाती है और सामने वाले बंदे के पास होती है एस्ट्रल के। तो आप बताइए क्या मैं यहाँ पे बच पाऊँगा या नहीं बच पाऊँगा। जी हाँ, इस बंदे को तो मैंने मार दिया है M4 से, बस अब मेरी फर्स्ट एड 0.9 सेकंड लगने ही वाली थी, ऊपर से एक स्प्रे आता और मेरा गेम प्ले हो जाता यहीं पे ख़त्म। ये दो वही बंदे थे जो कि टीम अप करे हुए बैठे थे। अब भाई इन लोगों के बारे में यार मैं क्या ही बोलूँ, छोड़ो यार, टीम अप करे बैठे हैं यार सोलो में। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, हम मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो में चिकन डिनर के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।